हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो पहले तो आप लोग मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मुझे फ़ीवर लगा हुआ है। व्लॉग को वॉइस ओवर करना ज़रूरी था, मुझे आज ही अपलोड करना है। सर्दी की वजह से नाक बंद है तो आवाज़ ऐसी हो रही है। तो ये है निकाह डे। यहाँ सुबह सुबह हम लोग 6 बजे मेहंदी लगा रहे थे, क्योंकि हम लोग को शाम को हॉल में जाना है। यहाँ की मेरे जो ससुराल की शादी की रस्में हैं वो कुछ अलग होती हैं। यहाँ निकाह वाले दिन ही सुबह में मेहंदी लगती है, क्योंकि रात में ही बारात आती है, चाहे पास से हो या चाहे दूर से हो। यहाँ आयशा अपनी मेहंदी दिखा रही है। Later that same evening. हम लोग आ गए हैं हॉल में। ये हम हॉल में आ चुके हैं। अब हम धीरे धीरे तैयार होना स्टार्ट करेंगे। आ ना रूम में आ। ये पड़ोसी झांक रहे, कहाँ गए? क्यों झांक रहे थे रूम में? ये हमारा, हमने अपना पर्सनल रूम ले लिया है। दिखाती हूँ हॉल, मैरिज हॉल। अब मैं आयशा को तैयार करने जा रही हूँ। पहले मैं आयशा को करूँगी, ये बच्चों के साथ खेलती रहेगी, फिर मैं तैयार हूँ। मैंने मेहंदी लगाई, मेरी अभी रची नहीं है, ये इन्होंने लगाई है TZ। आपको मैं मिलती हूँ आयशा को तैयार करने के बाद। तो ये है मेरा और आयशा का फाइनल लुक। माशाल्लाह आयशा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी एक एक चीज़ ना मैचिंग हो गई थी लहंगे से। और मेरा वेलवेट का लहंगा था तो मैंने ज़्यादा देर नहीं पहना, बहुत से ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। आधा एक घंटे बाद ही मैंने कपड़े बदल लिए थे। तो इसमें मेरे ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो नहीं है, तो शॉर्ट्स बनाया था, तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा एक बार बजा दो यहाँ। इसके बाद अच्छा बजा रही हूँ। बच्चों को तंग कर रही थी ये लोग। आयशा और इसकी एक और दोस्त बनी थी, उसका नाम भी आयशा था। ये लोग ढोलक बजा रहे थे रूम में बैठ के, तो मैं बार बार तंग कर रही थी। मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। बारात आ चुकी है। आप लोग हैरान मत होना कि सब लोगों के आदमी के बीच में दुल्हन क्या कर रही है। ये दुल्हन नहीं, दूल्हा है। मैं भी हैरान थी कि मैंने भी पहली बार देखा था ऐसा लुक दूल्हे का। ये है बंटी और सब कज़न हैं। ये नंदोई हैं मेरे। यहाँ सब जो भी दुल्हन का सामान लाए वो दिखा रहे हैं। अब निकाह टाइम हो चुका है तो यहाँ काजी आ गए हैं निकाह पढ़ाने। हम लोग बैठे हैं देखने। यहाँ निकाह के बाद दुल्हन को तैयार किया जाएगा। और सुबह में फजर के टाइम विदाई हुई थी। हम लोगों को दूसरे दिन निकलना था हस्बैंड के फूफो के यहाँ सासाराम। वहाँ हम लोग पास में ही आए थे तो सोचा था कि उनसे भी मिल के ही जाएंगे। तो सब शादी निपटा करके हम लोग फजर के बाद निकल गए थे वहाँ पर सासाराम के लिए। ये सब लोग रिलेटिव हैं। ये हैं खालू। पता नहीं क्या सोच रहे हैं खालू, इमोशनल बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ निकाह होते ही सब रोने लगे थे। ये मेरे हस्बैंड की खाला हैं, खलेरी बहन की शादी थी। सब इमोशनल हैं अभी। लड़की से, काजी लड़की से इजाज़त लेके चले गए साइन वाइन करा कर। अब है लड़के की बारी। तो यहाँ पर निकाह कंप्लीट हो गया है। ये मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, यानी कि मेरे जेठ हैं। और जो यहाँ पर बैठे हैं ये मेरे भाई हैं। यहाँ मैं चेक कर रही हूँ मेकअप, क्योंकि मेकअप की ड्यूटी मेरी थी। शुभी ने बहुत पहले कह दिया था भाभी मेकअप मैं आपसे ही कराऊंगी। तो यहाँ मेकअप की तैयारी हो रही है, उसके बाद रस्म होगी। निकाह के बाद ही मेकअप किया जाता है। अब यहाँ है जूते चुराई, ये आई और जूते ले गई। जूते चुराई की रस्म। यहाँ मुंह दिखाई होगी तो पहले दुल्हन को तैयार कर रहे हैं, फिर जो भी रस्म होनी है वो होगी।
यहाँ सब आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जूते चुराई का। अभी और आगे बाकी है, देखते रहिए, व्लॉग में जुड़े रहिए, आगे आगे क्या होता है। यहाँ आयशा को बहुत शौक आ रहा था दूल्हे से मिलने का। मैं भी छोटी सी ऐसी थी, मुझे दुल्हन ज़्यादा अच्छी लगती थी। जहाँ दुल्हन देखी वहाँ पे पहुँच जाती थी दुल्हन के पास। सब बच्चे सो गए थे मगर आयशा नहीं सोई थी, उसको पूरी रस्म देखनी थी। हॉल इसलिए लिया गया था कि रात भर का होता है तो सब अपने अपने रूम में जो बच्चे हैं वो सब सो जाए, मगर आयशा नहीं सोई थी। अभी यहाँ सब बहनें तैयार कर रही हैं, तो यहाँ रस्म का मुझे नहीं पता था इसलिए मैं साइड हो गई। अब ये है सलामी का टाइम। यहाँ से ड्राई फ्रूट की माला पहनाते हैं दूल्हे को, पूरा ड्राई फ्रूट सेलर बना देते हैं गले में माला डाल के। वहाँ आयशा इंतज़ार कर रही है, आयशा को बहुत ज़्यादा शौक़ था ये सब, कब करूँगी। सब बहनें हैं, साली ये मंझली साली है और वो जो अब आएंगी ये बड़ी साली हैं। खैर दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों ट्विंस हैं। अब यहाँ मेरी बारी है। मैं रिश्ते में बड़ी थी तो मैं माला नहीं पहनाई, मैंने रिंग पहनाई थी। और मुझे ये सब करने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, मैं इसलिए पीछे पीछे थी, बस जल्दी से करूँ और साइड हट जाऊँ। यहाँ दूल्हा सलाम नहीं कर रहे थे सबसे सलामी लेके, तो मैंने याद दिलाया कि सलाम करिए। ये शुभी की फुप्पो हैं, आ गए हैं जूता चुराई मांगने सब। यहाँ चल रही है आर्ग्यूमेंट, तो दूल्हा एक बार को राज़ी हो भी जाए मगर जो दूल्हे के साथ ये दोस्त आते हैं चंगू मंगू टाइप के, ये पता नहीं इनको क्या दिक्कत होती है, करने ही नहीं देते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन लोगों को देख करके, मैं चुप खड़ी थी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती थी, मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है जूता चुराई के मामले में, तो मैं ज़्यादा नहीं बोली। मैं अपनी जूता चुराई याद करती हूँ जब मुझे मिली थी, तो बताने में भी शर्म आती है, इतनी कम मिली थी, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। सब रस्में लड़की वालों की कोई पूरी नहीं होती, लड़के वाले अपनी सब रस्में पूरी कर लेते हैं। यहाँ सबका मूड ऑफ हो गया था, सब एक बार मना ही रहे थे दूल्हे को, मेरे हस्बैंड भी साथ में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। यहाँ फिर मुझे बुलाया गया, मैं क्या बोलती मेरा सिम ही नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं, सिम से क्या मतलब है, हम वाईफाई खोल देते हैं, अनलिंक कर दिया, देने सब सब अनलिंक हो जाता है, अनलिंक हो गया तो फिर सिम तो चुराना जरूरी है। एक हजार रुपये जूता चुराई होता है, अच्छा बात है, एक हजार जूता दे दो, पैसा मत दो, हाँ दे, चलिए कोई बात ना, जूता ले लीजिए, पैसा मत दीजिए, चलिए हटाइए। दो हजार 51 से 1 रुपया कम नहीं, रुक जाओ, लड़का मान गया, कोना में नोट गिन रहा है। अरे चल अच्छी बात नहीं है, जाओ बंटी, इतना भारी रकम मिल रहा है जरा गिन लो। मेरा भी ले ले, मूड ऑफ हो गया साली लोग का, जितनी साली आई थी मांगने के लिए सबकी मूड ऑफ हो गई है, वो जा रही है। कितना कितनी है पता, 100 रुपए बढ़ा के देना, भागती भूत की लंगोटी ऐसे ही आप भागे जा रहे हैं। हम नहीं आना है।
सती का टाइम, सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे यहाँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं यहाँ भी क्या बोलूँ। अभी मैं देख कर भी मैं इमोशनल हो गई। मैं शुभी को बार बार समझा रही थी मेकअप ख़राब हो जाएगा, तो रोते रोते हंस रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कैसे इसको चुपाएं। बहुत बहुत रोई है। अब ये टाइम हो गया है फाइनल रुखसती का। सुबह फजर का टाइम हो रहा है यहाँ पर। बस ये सब होने के बाद हम लोग थोड़ी देर आराम करके निकल जाएंगे सासाराम के लिए। और इसके बाद मेरा सासाराम का ही व्लॉग आएगा। और रिसेप्शन का मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, तो थोड़ा सा मैं उसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ सब ये बहनोई हैं, अपने बहनोई से मिलने आई हैं। यहाँ भाई को ही रस्म करता है, वही हो रही है। मैंने उस टाइम नहीं देखा था, अभी वीडियो एडिट करते मैं देख रही हूँ। सीट बेल्ट लगा लीजिए। उधर है बाएं साइड में। बाबू तेरे मेहरा बेचो तेरी लाडो पर दे सड़ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।